आ गए स्ट्रक्चर ऑफ एटम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। अभी 2 सेकंड पहले सारे बच्चे क्वेश्चन देख चुके हैं पहला, और सबने चिल्लाया कि आ गया है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देखे थे, कितने बेइज्जत आदमी है सब, कुछ नहीं आता है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमारे साथ बड़े बड़े लोग हैं, अथर्व, आदित्य, ये लोग अपना मुँह छिपा रहे थे, द ग्रेट कृष्णा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और बेइज्जती करते हैं लोगों की। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर बताइए क्या आ रहा था। सुमित सर हमारे चिल्लाए थे, सर आ गया आंसर जल्दी। ठीक, तो सुमित सर का आंसर, शिवम सर का आंसर है 4 times है का। अच्छा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आदित्य का आंसर क्या है? 1/4, 3rd। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सब लोग आंसर बोलेंगे, आपको लास्ट में कृष्णा की लाश दिखाई जाएगी। वो ई बोल रहा है। तुम्हारा भी सेम है ना? तुम बच्चों के नहीं, माई जान ले लेंगे आज। 4 का स्क्वायर 15 हुआ। अरे नहीं, कैसा मैच का लड़का है, करके बोले मैच का नाम लिखो यार। रोहित सर घर से मारेंगे। तो मैच में ऑलरेडी डूब चुका है। बाकी लोग भी बताओ, आ गया था तुम लोगों को 4 साल पहले। साथ ही डूबोगे जो आदित्य का है तुम्हारे ना। कोई बात नहीं भाई, तेरे वेट में पानी कर दे। रुद्र क्या सर, बट आज ही टुडे ओनली यू हैव टू टेल द आंसर। गुड, अरे तो काट दे दिया भाई आदित्य का। ऑप्शन नंबर 2 आया, मजा आ रही है। वो सर 144 फोर टाइम। नहीं, अब नहीं होगा सर, अब नहीं होगा, ये अब नहीं होगा। दूसरा दूसरा यार, तुम भी जाना चाहोगे? आदित्य के साथ थे ना, कैलकुलेट किए ना, बुक खोल के तो ऐसे बैठे हैं जैसे सब आ ही रहा है। वाह, ऐसे बन गए। वाह, वन लैप बताया जाए। गधों फॉर्मूला पता नहीं है तुम लोग को, तुक्का मारो, इधर ध्यान दो। कह रहा है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड 4 times द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बी लाइक। डी ब्रोगली का कोई मतलब नहीं है, हमें क्या पता है। E = mc² = mc², पर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, चलिए तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी = ½mc², यही होगा। 2 काइनेटिक एनर्जी =mv², यही होगा। कोई कष्ट परेशानी नहीं है किसी को, तो हम तो hc/λ = mc², मतलब mv², और mv² की वैल्यू क्या है, 2 काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो hc/λ = 2 times काइनेटिक एनर्जी, क्या ये लिख सकते हैं? यस सर। चलिए आपसे क्या पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी कितने से बढ़ गई? 4 गुना से। 8 तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चों? 8k। तो किसमें चेंज पूछ रहा है? डी ब्रोगली। hc/λ1 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और 2 को, तो ये hc कट जाएगा। λ1/λ = 2/8। रुक जाइए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। λ1 × 4 = λ, कितने टाइम से बढ़ गया? 4 times। तो ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू सर। गलती से हो जाता है, ऐसे कोई खुश होने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नाम बता दीजिए, हम लोग बताएं। सब बताएं, किसी को नहीं आया। अरे
जैसे पहले वाला पढ़ के बता ही रहे थे सारा क्वेश्चन हम ही बताए हैं। कब कमेंट करता है ये? अब तुम्हारा चेहरा दिखा, तुम्हारे तो शैया दिखाएंगे तुम्हारी। हम देखना ई ऑप्शन बोल रहा हूँ, छैया छैया नहीं। सारे बच्चे कॉपी पेन चलाने की कोशिश में हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। पता नहीं क्या लिख रहे हैं सब। इनके खिलखिलाते चेहरे देखिए, दिखाएंगे तो हम जरूर देखना। फेमस 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 लोग, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, सब गधे हैं। देखिए कृष्णा कृष्णा सर बिल गेट्स को गधा कह रहा है। इतने लोग नहीं देखते हैं, घबराओ मत। कॉपीराइट चला गया था, नहीं जाएगा। कॉन्फिडेंस है हमें, हमें मारेंगे सब। हुआ चलिए थोड़ा फैन ऑन करके इनको टाइम दे दिया जाए। ये सब गरीब गरीब हैं, सब सब किसी को नहीं आ रहा है, सब मुँह छिपाए हैं। स्टार्टिंग में दिखा रहे हैं वो अथर्व है, कॉपी से मुँह छिपाया है। उस कोने में कृष्णा है, अमित, सुमित, शिवम, रुद्र, निखिल, वो यश, और वो जो दो उंगली दिखा रहा है वो गलत फॉर्मूला लगा रहा था अभी अभी। सर आंसर है, हाँ हाँ बताओ। पाब्लो एस्कोबार क्या? आदित्य का आंसर फर्स्ट। फॉर्मूला पूरी पूरी तरीके से गलत था, 200% गलत था। कहाँ जा रहे हो? सी पे जा रहा है। निखिल का थ्री है। सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसा बिल्कुल न सोचे कि ये लोग पढ़ते हैं। सब तुक्का लगाएं, किसी कॉपी में फॉर्मूला नहीं है, इनको पता तक नहीं है कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए इतना गलत फॉर्मूला बच्चों इस क्वेश्चन में लगा हुआ है, इतना ही गलत है। कितना गलत हम बताएं? नहीं मतलब हम बता नहीं सकते, मतलब मैथ हील कर दिया होता इससे बढ़िया। इस किसको ने बैठा था जो दो उंगली दिखा था उसी कॉपी थी गंदी से राइटिंग वाली। सर दो लोग दिखाए, नहीं तुम्हारी बात नहीं, इसकी बात गधा है। तो सबसे पहला काम कोई भी न्यूमेरिकल करने का, अथर्व असली है इधर देखो, क्वेश्चन करना है। सबसे पहला काम कोई भी क्वेश्चन करने का गिवन लिखना है। पूछा क्या है? वेवलेंथ। तो पहला काम कितनी बार सिखाए हैं वेवलेंथ, प्रोटॉन मूविंग, प्रोटॉन का वेलोसिटी दिया हुआ है। उस फॉर्मूले में जो कुछ लोग ने फॉर्मूला लगाई है, 1 × 10⁻³ मीटर पर मास ऑफ प्रोटॉन दिया। इस फॉर्मूले में हमें कहीं मास दिख नहीं रहा है, किसी को दिखेगा तो हमें बताएगा। तो बच्चों यहाँ पे इतनी ढेर सारी चीजें और इतनी ढेर सारी चीजों से एक ही फॉर्मूला बनता है जो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा सत्य था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो कहता है कि डेल्टा V into डेल्टा X is greater than equal to 4 pi m। बच्चे गधे हैं। 4 pi m भी लगेगा।
या तो आप इससे लगा सकते हैं, या तो डी ब्रोगली वाला जो भी हम लोग लगा रहे थे इससे लगाइए, ज्यादा बेटर होगा। एम सी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, नहीं सी नहीं होगा इसको, एम सी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। मास दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, इससे करेंगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन हाँ, और क्या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, कहीं भी अगर किसी भी पार्टिकल के बारे में, अरे किसी भी मैटर के बारे में ये भी दिया हो कि वो पार्टिकल नेचर का है, मतलब उसकी वेलोसिटी भी दी हो और वेवलेंथ भी दी हो, इसका मतलब हमेशा यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे देखो वेलोसिटी भी दी हुई है और वेवलेंथ पूछ रहा है, मतलब डुअल नेचर की बात हो रही है। तो अब दोनों फॉर्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मास कहाँ गया, ऊपर है, अरे यही है, 1.6 into 10 to the power minus 27। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 1 into 10 to the power 3 is equal to 1 by lambda upon h, 6.64 into 10 power minus 34। 34 ऊपर जाएगा तो plus 7 हो जाएगा, plus 7 of 3 कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 1.6 into 10 to the power 10 upon 6.64 is equal to 1 by lambda। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो 10 टू द पावर 10 है, उल्टा होगा 10 पावर माइनस 10 हो जाएगा और डिवाइड करने में 9 तक चला जाएगा, मतलब नैनोमीटर होगा, सारा नैनोमीटर में दिया है। अब इसको सॉल्व करो 16 और 64 को, 4 4 का 16, 4 on the 4, 4 ऐसा 2 2 का 4, इतना 3 के बाद वाला, हां 2 8 का 16, 2 3 का 6, तो ये आएगा 8.3 by 2, so 4 point ये हो जाएगा। Thank you sir। अरे 0.4 आंसर हो जाएगा, 4 point। मैं 10 power 10 था उसको minus 9 में convert किया। मेरे सर लोग सही जाओगे साथ में। बात समझ में आई किसी को, सबको? पहले क्वेश्चन में बोले थे आ गया, तो तुम्हारा सही तो था मेरा। अगला क्वेश्चन। ये बता। Radius of second core orbit। ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो कोड़ी का ये आंसर है और जितना दो कौड़ी का ये क्वेश्चन है उसमें ही चार कौड़ी का इसमें सवाल दिया हुआ है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। सर तो दिया क्यों है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सके। ये बड़े वाले फॉर्मूले के लिए है, ताकि किसी फॉर्मूले, ये देखिए जब बच्चों को कंफ्यूज करना होता है तो ऐसा किया था, पर उनको पता नहीं होता कि ऐसे बच्चे होते हैं, पहले कुछ नहीं पता। आप लोग को कितनी बार रेडियस का फॉर्मूला बताया गया, आर इज इक्वल टू 0.52 into n square, क्योंकि हाइड्रोजन है तो z लिखने की जरूरत नहीं है, मेरी गलती, तुम्हें नहीं पता था। और n मतलब ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, तो 0.52 into 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 जाए 8, 4 5 20, 2.08 हमें भी लग रहा था। हां बताया नहीं सर, ऑप्शन पूछी है, मेरी गलती आंसर। चलो बताओ तो सर, देखिए बच्चे बहुत तेज हैं, इतनी जल्दी हम भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ये इस सारे लोग करके टू बताए हैं और ये सारे पढ़ने बहुत तेज है, सारे मिलके करेंगे तब भी तेज नहीं हो पाएगा। ये जो हमारा बीच का गैप था ये खाली आधे सेकंड या एक मिनट का होगा, सारे मिलके इतना तेज नहीं कर सकते, सब कलेक्टिवली गधे हैं, कलेक्टिव नाउन है सब, पर सब एक ही आंसर बताएं। तो आइए तो कृष्णा आएगा अभी फॉर्मूला बताने, कृष्णा फॉर्मूला बताओ तो, कृष्णा फॉर्मूला प्लीज। सर बेहोश हो गया क्या, फॉर्मूला आदित्य चीटिंग ही कर रहा है, अमित सर देखे भी नहीं फॉर्मूला, चुप रह, झूठ बोलता है या कॉपी पर, सुमित शिवम सर पता है 27 तारीख है आज, रुद्र फोन में मिला फॉर्मूला, निखिल मेरा दूसरा दिन है सर, अभी दो दिन पहले निखिल पैदा हुआ है, अथर कॉपी के घूंघट से बाहर निकल गया। तो देखिए बच्चे सर्च करके फोर बता रहे हैं, सारे मिलके सही नहीं बताया। तो आइए शुरू करते हैं, कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन,
तो एक फॉर्मूला था 1/λ = 109677। और ये भी था 1/n2 बस बस तेज मत करो। अरे सर याद बता दियो 1/n1² - 1/n2² तो ये कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट 4 और 2 हीलियम से एमिट की जाएगी वो हाइड्रोजन के किसके करेस्पॉन्डिंग होगी, यही निकालना है। फ्रीक्वेंसी में हम इसमें जेड इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। फ्रीक्वेंसी जब निकालते हैं तो फ्रीक्वेंसी में जेड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें किसके इक्वल निकालना है, हीलियम और हाइड्रोजन के। तो हमें क्या करना है 109677 किसका बोला है, हीलियम का। हीलियम के जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड क्या होता है, जेब्रा मास होता है। तो हीलियम का मास कितना होता है, हम बोले थे तेज हो कृष्णा बोल रहा है ये किसके इक्वल करना है, हाइड्रोजन एटम के। तो हाइड्रोजन एटम के इक्वल कर दो 109677। हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू यही करना था, ये कट हो जाएगा, इसको करेंगे। अरे कट गया 3/4 देखो 4 to 3 ऑप्शन नंबर सर ये सब मेरे साथ आ गए इसलिए ये सारे बच्चे ऑप्शन 2 बोले हैं। सारे कथे आप लोग को स्टार्टिंग में दिखाया गया है, सारे मिलके एक मिनट में करने की कोशिश किए हैं, सब बेगैरत बेशरम बदतमीज और बेहया क्यों है, दिखा तो रहा है लीला, बिना कॉपी का आंसर बता रहा, आप क्या चाह रहे हो। चलो आंसर बताओ, चलो फॉर्मूला हम बता रहे हैं। देखो एनर्जी इक्वल टू -13.6 Z² / N² अभी भी बता दो आंसर सही, तो हम जाएंगे बता देख रहा है, ये है ना, चलो सुमित का 3, सुमित शिवम, शिवम का 3, अथर्व का 4 बोल दिया, लॉक कर दिया, लॉक कर दिया सर, फोर्थ वाला आंसर, फोर्थ अब तो फोर्थ बोलते हैं हां सर, तो बस पिछला वाला मेजोरिटी देखे थे, डूब के मरने वाला, फिर भी यहाँ पे शर्मा की तरह बैठे हैं। चलो यार समेत कृष्णा तुम्हारा सेकंड है, कृष्णा ये इनके चाल है, चारों ऑप्शन मिलके बोल रहा है ताकि कोई ना कोई सही नहीं, हम सॉल्व करके बोले सॉल्यूशन दिखाओ, सॉल्यूशन दो इधर का मैथ्स का है सर, इतना पता है एक बार देखिए गलत सॉल्यूशन ऐसे होता है, वापस से उसी आदित्य का गंदी राइटिंग पहचान लो आप। और
तो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, देखिए चारों ऑप्शन तो आप लोग बोल ही दिए हैं, एक तो सही होगा ही होगा। कर लो जी, कर लो, देख रहे हैं। कीप पॉइंट सर, ये बातें दिखानी चाहिए। वो चारों में से एक ऑप्शन तो सही है, कि चारों बोल दियो तुम लोग, कोई एक बचा नहीं है। कोई एक चीज हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ जिसका भी सही सब कुछ हो जाना। एक का तो सही हुआ। हाइड्रोजन एटम है तो जेड की वैल्यू एन की वैल्यू क्या होगी? टू का स्क्वायर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं। तो बच्चों जो एन होता है, बस जो एन होता है एन को ऑर्बिट कहते हैं। तो इधर ध्यान से देखिएगा, आंखें खोल के, ग्राउंड स्टेट इसमें एन की वैल्यू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन की वैल्यू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट एन की वैल्यू 3, तो यहाँ एन की वैल्यू क्या लेंगे? 3। बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 का इस्तेमाल फिर से करेंगे क्योंकि हम लोग अमीर है, हमारे पास कैलकुलेटर है। नीचे नीचे उसके नीचे, ठीक है, हमको नहीं आता है, पढ़ा है। पहला होगा, ये होगा अभी डिवाइड नहीं आता, तुमको बायोलॉजी होगा। ऑप्शन नंबर 1 बस हटना, देखिए अरे चलो देखिए यही कृष्ण भाई तुक्का मारा था एकदम, कॉपी भी नहीं खुली है, गलत आया ना, पास क्या पहुंचे, या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। अरे तो क्वेश्चन सही करोगे तो प्लस मिलेगा, नहीं करोगे माइनस, नहीं तो क्या हॉट नहीं करो। इसमें नहीं है चारों सही, अरे हट करो। सेकंड वाला ऑप्शन मेरा कंफर्म है, तो आदित्य ने बताया है सेकंड, चलो भाई क्या है, यश का भी वही है। वो इधर मिल के कर रहा है, थर्ड वाला है, मिल के नहीं कर रहा हूं, कर ही नहीं रहा, जा कहां रहा हूं, पानी नहीं है नीचे, नहीं है सॉरी, घर अब मेरे घर से ले लो, कॉल कर लो मेरे घर। शिवम हां सर, सेकंड होगा, सेकंड दूसरा सर, सेकंड होगा कंफर्म है। और कोई बचा नहीं सर, हो गया पक्का, देखिए तो बच्चों यहाँ जो n की वैल्यू है वही m की वैल्यू है, तो पहला वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, चौथे वाले में जो n की वैल्यू है वही l की है वही m की है, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी सिर्फ इसकी और इसकी हो सकती है, तो वही है, ये है, वही एक ही है ना, देखिए एन की वैल्यू 3 और 4 है, एल की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है, तो n-1 है 2 और 3। अब बनाते हैं L2 का मतलब, L2 का मतलब 3 मतलब डी होगा, आइए डी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 और एफ 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, सही है। तो अब इसके लिए करते हैं -2 -1 0 +1 +2 -3 -2 -1 0 +1 +3 M की वैल्यू -2 बोल रहा है, मतलब ये, और S की वैल्यू क्या बोल रहा है? 1/2
प्लस हाफ, पर ये किसकी बात कर रहा है, 4f, l की वैल्यू 3 होगी तभी f होगा, ऑप्शन नंबर। लेकिन सर वहाँ s पे गिर से तो f पे आ रहा है, हाँ f पे 3 आ रहा है ना, f के लिए पूछ रहा है ये, तो f की n की वैल्यू तो 3 हो गई ना सर, हम लोग तो यही पढ़े कि कहाँ 4f पूछ रहा है, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3 होती है तो f होता है, तो यही होगा ना। और अभी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही गलत है, पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पहले वाले का 3 है, यहाँ पे क्या बोल रहा है 4 होना चाहिए प्रिंसिपल, तो सिर्फ और सिर्फ रुद्र सही है, सब बहुत जोश में बोले थे। हाँ आप दिखाओ मुंह। हेलो गाइस, सब बोले हैं बताते हो, बस वो सही बोला है, गूगल ले लिया, अरे ओए मोबाइल अच्छा अभी देखिए रहा हूं, तो वही मुझे पता था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोग को 4f करने को बोला है ना, प्रिंसिपल n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4, n की वैल्यू 4 2 ही में नहीं है, बाकी सब में है, तो 2 भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये 4f के लिए पूछ ही रहा था। बात समझ में आई, हाँ या नहीं? तो बच्चों सर 2 ही होगा, कुछ भी कर लीजिए, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सी सु जय माता दी, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, हैप्पी होली।